हेलो गाइस, वेलकम टू एपीआर कैरेज एक्सपेरिमेंट। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल ही दिवाली से रिलेटेड है। और हाँ, इस वीडियो को आप जो मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करूँगा आप अपने घर पे भी कर सकेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और इन सब के बारे में सामान की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो हम सामान इसमें उपयोग करेंगे वो बिल्कुल आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा, जो कि बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा वो सामान है। सबसे पहला तो होगा ये बेकिंग सोडा, जो कि आसानी से किचन में मिल ही जाएगा। और दूसरा है केरोसिन, जो कि मैंने दूसरे डब्बे में रखा है, लेकिन है केरोसिन ही। और फिर तीसरा जो है चीनी होता है, जो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं नीचे से जाकर ले आऊँगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो चलिए अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हाँ, इसके लिए एक और चीज़ चाहिए, जो कि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब और आपका एक प्यारा सा कमेंट। हाँ, तो लो जी, हमारी चीनी यहाँ पर हाजिर है। तो चलिए सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम एक प्लेट लेंगे जिसमें कि रेत भरी हो, ताकि हमारा प्लेट जल न जाए। और हाँ, एक्सपेरिमेंट हम इसी के ऊपर करने वाले हैं ये आगे की यूज के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी और इसमें 4 चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं। 1, 2, 3, 4। और जो हम बेकिंग सोडा लेंगे वो 1:1, मतलब 4:1 के रेशियो में लेंगे, यानी ये 4 चम्मच है तो वो 1 चम्मच लेंगे। सो लेट्स गो। तो ये रहा हमारा बेकिंग सोडा और इसको 1 चम्मच डालेंगे, तभी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना डूब गया समझो एक्सपेरिमेंट हमारा। इसको 1 चम्मच डालते हैं और थोड़ा और ही डाल देते हैं और इसको इसको साइड में रखते हैं। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। ये जो हमारा मिक्सचर है वो पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा केरोसिन। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। और हाँ, अगर आपके पास केरोसिन ना हो तो आप अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब इस मिक्सचर को हम डालेंगे सिंपली इसके ऊपर। और अब हम इसको सिंपली थोड़ा सा इग्नाइट कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो होली वाला क्रैकर था, यानी जो स्नेक वाला वो गोली होती है छोटी सी, वो हमने घर पे ही बना दी। और ये कितनी अच्छी तरीके से फॉर्म हुआ है देख सकते हैं आप, मतलब बिल्कुल ही वाओ, वेरी नाइस लुकिंग। पर ये फिर भी अंदर से हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही इसमें ज़्यादा मज़ा आया गाइस। सो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप खास करके आपके सपोर्ट की। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।